जब मैं छोटा था तो मैं सवेरे उतरता था, शाम को मुझे घर वाले ज़बरदस्ती दरिया से चढ़ाते थे, इतना मैं नहाता था दिन भर। मैं ही नहीं, सारी बस्ती, यहाँ जितने भी लोग हैं अब बड़े हो गए हैं सारे। एक बात और, दूसरी बात यह है कि दल गेट से यहाँ तक 20 पंप लगे हैं, सारी गंदगी इसके अंदर ही जाती है। जब गेट खोलने का टाइम आता है तो जितने भी जिसका मतलब जो भी इंचार्ज है इस गेट का, उसको ये ख्याल नहीं कि मुझे अपने हिसाब से ये करना चाहिए, हमें ही उन्हें फ़ोन करना पड़ता है, ज़रा प्लीज़ उसको थोड़ी देर के लिए उसको खड़ा कर दिए, गंदगी सारी नीचे जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस बार आप देखिए वो जो बंद है, जितनी भी गंद है वो डालते हैं यही। कई बार हमने इनको रोका इस काम से, ये मत कीजिए ये मत कीजिए, मगर ये मानते ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट का कोई आदमी यहाँ पर आता है, कम से कम वो भी इनसे समझाता है ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें ही करना पड़ता है। हम यहाँ मंदरबाग में रहते हैं। मसला ये है कि ये जो हमारी सेंट्रल श्रीनगर में एक रिवर पड़ता है जिसका नाम है सूंट कोल, दिस इज़ टोटली डैमेज्ड बाय द अथॉरिटीज़ एंड इग्नोर्ड बाय द अथॉरिटीज़। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग देम कि आप इस पर तवज्जो दें, ये आप ठीक करें इसको। ये जो आप देख रहे हैं कि ये फ्लड गेट है, पिछले कम अज़ कम 15 सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है, कभी कभी उठाते हैं कभी बंद करते हैं। हमें ये पता रीज़न ये, अगर इसमें पानी कम है या इससे पहले भी कम होता था तभी ये ऑन होता था और ओपन होता था, पता नहीं अननोन रीज़न इसमें क्या मसला है कि ये बंद रखते हैं। और ये जो हमारी कम अज़ कम यहाँ से लेकर डल गेट तक एटलीस्ट 17 to 20 ड्रेन्स इसमें फ्लश आउट होते हैं, सारे आसपास जो बस्ती है उसका मलबा इसमें जाता है, लाल चौक एरिया का मलबा इसमें पानी में जाता है, और ये आगे इसे अथॉरिटीज़ ने इसको बंद कर ब्लॉक करके रखा है। हमारा ये क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक क्यों किया आपने, अगर किया है तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास, कि आप इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ के बस्तियों को मरवाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं? क्योंकि जब गर्मी आती है, समर्स आते हैं, तो फिर ये इतना स्टिंग करती है कि यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। मसले तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहीं पर ध्यान ही नहीं दे रही है। आप देख लीजिए, ये हमारा एरिया जो है गांव कदल बसंत बाग मंदरबाग, ये पूरा कूड़ा करकट से भरा हुआ होता है। पहली बात तो ये है, वो कूड़ा करकट जितना भी निकलता है इन तीनों इलाकों में से, वो इस दरिया में जाता है। ये दरिया आप देख लीजिए क्या हो गया, इसका क्या हालत हो गई इसकी, ये आप खुद देख सकते हैं। बस हमारी ये गुजारिश है कि ये सारा जो है ये साफ हो जाए तो आगे की जो नस्ल है वो सही रह सके, क्योंकि ये देख लीजिए आप, ये पानी हम पीते थे। देखिए, ये जो सूंटी कोल है ये वन ऑफ द आउटफॉल चैनल ऑफ द डल लेक है, पहला ही चैनल ये, इट एंड इट मर्जेस विद जैली। जब भी डल लेक में पानी की लेवल ज़्यादा होती है, खासकर समर में, तो इट इज़ द ओनली शॉर्टकट रूट कि उसमें फ्लशिंग हम करते हैं वह सूंटी कोल से। अब अगर पास्ट में देखेंगे, वहाँ सूंट कोल में दोनों साइड से काफ़ी एनक्रोचमेंट थी, तो अथॉरिटी ने बड़ा ही एक अहम अचीवमेंट किए हैं कि सारे स्ट्रक्चर जो वहाँ पर थे तो वो वहाँ पर डिसमेंटल हो चुके हैं। अब चूंकि सूंट कोल का कोई पहले ये कंजर्वेशन प्लान में नहीं था, तो अब इस साल हमने इस सूंट कोल को ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसका जो शोर लाइन है, शोर लाइन हम डेवलप कर रहे हैं जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लोप्स। उसके साथ साथ डिवीडिंग का भी इस साल बड़ा ही इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि डिवीडिंग तो आपको पता ही है कि सूंट कोल में भी काफ़ी वीड ग्रोथ होते हैं, तो इसके लिए भी हमने लेबर प्रपोज़ किए हैं इस साल इसमें सूंट कोल में लगाएंगे। साथ साथ में कुछ सॉलिड वेस्ट का भी प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट भी इसमें जाया लोग डालते हैं इसमें, इन टर्म्स ऑफ पॉलीथीन बोतल्स डालते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम इसके लिए वो हटा रहे हैं। कुछ ड्रजिंग का प्रोग्राम भी रखा है, खासकर जब ये इस सूंटी कोल पर जो ये फ्लेवर बन चुका है, तो इसके नीचे से काफ़ी अभी डेब्रिस ज्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इसमें वहाँ ही रह गया, तो इसका भी हम प्रपोज कर रहे हैं कि इसका भी उठाएंगे हम।
उसके साथ साथ अगर हम गांव कदल साइड से भी देखेंगे, जो गांव कदल का जो हमारा इस कंट्रोल्ड गेट है, वहां अगर आप देखोगे वहां पर कुछ बीएसएन केबल्स इंक्लूडिंग कुछ पीएचई लाइन्स जो कि बिल्कुल सॉर्ट ऑफ ओबस्ट्रक्शन है इस फ्लो के लिए। हमने बहुत बार इन दोनों डिपार्टमेंट से रुजू किया है कि मैं अभी उनसे भी फिर एक बार रुजू करता हूँ कि ये जो बीएसएन केबल्स हैं और पीएचई लाइन्स जो क्रॉस करते हैं चूंटकल को, ये बहुत ही रुकावट पैदा करते हैं फॉर फ्री फ्लो ऑफ द वाटर। सो उनको एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इसमें रिमूव कीजिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।